चीन बौद्ध भिक्षुओं की पदयात्रा आज दिल्ली में संपन्न हुई। इन भिक्षुओं ने सितंबर माह की चीन के शियान शहर से अपनी यात्रा शुरू की थी, जो भारत आकर खत्म हुई। पदयात्रा समाप्त होने के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिनमें इन 108 चीनी भिक्षुओं तथा तमाम बुद्ध विषय से जुड़ी बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। इस अवसर पर भारतीय भिक्षु संघ के री छाओ और दिल्ली विश्वविद्यालय के बुद्ध स्टडी के अध्यक्ष प्रोफेसर के टी एस सराव मुख्य अतिथि के रूप में रहे। Today we are here in Delhi to have a farewell ceremony of the 108 monks that have visited India to have a foot journey throughout India. 我们来在这里相聚，我们印度的各位学者、教授、先生们对。 चीन के 108 भिक्षु और भिक्षुनियां साउथ ईस्ट एशिया के बीच में होकर 108 दिनों में इन्होंने पैदल तीर्थ यात्रा की है। 108 नंबर जो है वो हिंदू और बौद्ध धर्म में एक पवित्र संख्या मानी जाती है। तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भारत और चीन के लोगों में मैत्री संबंध को और मजबूत करना। भले ही चीन भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा हो, लेकिन राजधानी में 108 दिन की पद यात्रा से ये साबित हो रहा है कि दोस्ती के लिए 108 भिक्षुओं ने पूरी वफादारी निभाई। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ राशि शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।